हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू का फोर्थ टाइप जो कि है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हमने स्टार्ट किया था कनेक्टिव टिश्यू के साथ जिसमें हमने एरियोलर, एडिपोस और स्केलेटल कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू का फोर्थ एंड लास्ट टाइप जो कि है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सो वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, मैं हूँ विभूति खरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू से। सबसे पहले तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ये पूरी बॉडी को यानी कि डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं बॉडी को उनको कनेक्ट करता है। कनेक्टिव टिश्यू का काम ही यही है कि सभी बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करना, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी उसी को फॉलो करता है। क्या करेगा, सभी बॉडी पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करेगा। फिर इसके बाद में मेंटेन्स अ कंटिन्यूटी इन द बॉडी, पूरी बॉडी में कंटिन्यूटी मेंटेन करेगा, मतलब पूरी बॉडी में ये प्रेजेंट रहेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे नहीं है या वहाँ नहीं है, इस पार्ट में नहीं है या सेकेंड पार्ट में नहीं है, पूरी बॉडी में कंटिन्यूटी मेंटेन करेगा, पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है, राइट? फिर इसके बाद में इसके दो टाइप्स होते हैं, एक है इसका ब्लड जिसका नाम आपने सुना ही होगा, और दूसरा है लिम्फ। ठीक है, तो जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है वो होता है दो टाइप का, ब्लड एंड लिम्फ। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या है, एक टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का जो कि क्या करेगा, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करेगा, बॉडी में एक कंटिन्यूटी जो है ना ये फॉर्म करता है, यानी कि पूरी बॉडी में ये कंटिन्यूस पैटर्न में होता है, प्रेजेंट होता है। दो टाइप के होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्लड के साथ, ठीक है। अब ये ब्लड क्या होता है, सबसे पहले तो ये एक टाइप होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। फिर इसके बाद में कंपोस्ट ऑफ ब्लड सेल्स और ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है, कोई भी टिश्यू सेल का ही बनेगा। तो जो ब्लड है वो किसका बना होता है, ब्लड सेल्स का बना होता है। ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, यस, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड भी एक टिश्यू है, और वो किसका बना होता है, तो ब्लड सेल्स का बना होता है, और ब्लड कॉर्पसल्स भी बोलते हैं उन्हें। जब हमने स्टार्ट किया था एनिमल टिश्यू, तो हमने ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हम अपनी बॉडी में जो भी चीज़ देखते हो, स्किन हो, हेयर हो, या बोन्स हो, मसल्स हो, ब्लड हो, वो सभी किसके बने होते हैं, टिश्यूज के ही बने होते हैं। तो आज यहाँ पे हमने वो चीज़ प्रूव कर ली, क्या कि ब्लड भी किसका बना होता है, एक टिश्यू है, ब्लड भी एक टिश्यू है, और किसका बनता है, सेल्स का बनता है। उन सेल्स को हम क्या कहेंगे, ब्लड सेल्स कहते हैं या ब्लड कॉर्पसल्स भी कहते हैं। फिर इसके बाद में ये जो सेल्स होते हैं ये मूव करते हैं एक लिक्विड मैट्रिक्स में जिसको हम ब्लड प्लाज्मा भी कहते हैं। देखो, जब हमने कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो मैट्रिक्स होता है कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स का, वो डिपेंड करेगा कि टिश्यू का फंक्शन क्या होने वाला है उस पर, कि उसको कितना हार्ड होना है या सॉफ्ट होना है, जेल लाइक होना है या लिक्विड होना है। अब ब्लड का काम क्या है, पूरी बॉडी में फ्लो करना, किसी चीज़ को फ्लो करना है, बहना है, तो उसको कैसा होना चाहिए, फ्लूइड होना चाहिए, है ना, लिक्विड होना चाहिए, तभी तो वो बहेगा, कोई सॉलिड चीज़ तो बह नहीं पाएगी। इसीलिए ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, लिक्विड होता है। ब्लड का मैट्रिक्स कैसा होता है, लिक्विड होता है, और उसी लिक्विड को या जो लिक्विड मैट्रिक्स है ब्लड का, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लड प्लाज्मा कहेंगे। तो ब्लड का लिक्विड मैट्रिक्स कौन है, ब्लड प्लाज्मा, और इसी में ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसल्स फ्लो करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में ब्लड सेल्स भी तीन टाइप के होते हैं, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। देखो, अलग अलग टाइप के जो ब्लड सेल्स हैं इनका अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। RBCs का क्या काम होता है, RBCs का काम होता है, RBCs के पास प्रेजेंट होता है एक रेड कलर का पिगमेंट, जैसे प्लांट्स के पास प्रेजेंट था क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या करवा रहा था, ग्रीन कलर का था, और वो क्या करवा रहा था, फोटोसिंथेसिस करवा रहा था। उसी तरह से RBCs के पास भी प्रेजेंट होता है एक रेड कलर का पिगमेंट जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करेगा, लंग्स से जो ऑक्सीजन आएगी उसके साथ वो कंबाइन हो जाएगा, और पूरे सेल्स में, बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वहां तक ऑक्सीजन सप्लाई करके आ जाएगा, कौन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसके अंदर रहता है, इन RBCs के अंदर होता है, RBCs के अंदर है हीमोग्लोबिन, रेड कलर का पिगमेंट, उसने क्या किया, लंग से ऑक्सीजन ली और कंबाइन कर लिया और सभी सेल्स को जाकर के दे आया, ठीक है, क्योंकि सभी सेल्स को ऑक्सीजन तो चाहिए ही है ना, बेसिक नेसेसिटी है सभी सेल्स की। तो क्या किया RBC ने, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराया सभी और जो बॉडी सेल्स होते हैं उनके पास, किसके थ्रू,
हीमोग्लोबिन के पास, ठीक है। WBCs और प्लेटलेट्स भी जो है ना, जब किसी भी तरह का बॉडी में इन्फेक्शन होता है, ठीक है, और कोई फॉरेन पार्टिकल, वायरस, बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, तो उनको डिस्ट्रॉय करने का ये एक डिफेंस मैकेनिज्म बना देते हैं, ठीक है। यानी कि ये हमारे सोल्जर्स होते हैं, WBCs एंड प्लेटलेट्स। जब भी किसी फॉरेन पार्टिकल का इन्वेजन होगा, या वायरस का, बैक्टीरिया का, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म का, तो उसके लिए क्या करेंगे, उससे लड़ेंगे, फाइट करेंगे कि तुम हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अलग अलग ब्लड सेल का अलग अलग फंक्शन होता है। फिर इसके बाद में जो प्लाज्मा होता है, यानी कि ब्लड का मैट्रिक्स, उसमें क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, और हार्मोन्स भी होते हैं। देखो, हार्मोन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। हमने थायराइड ग्लैंड पढ़ी थी ना, बटरफ्लाई शेप की, वो भी थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं। तो जितने भी और हार्मोन्स होते हैं, वो सभी ब्लड में ही जाकर के फ्लो होते हैं, अलग अलग जहाँ भी उन हार्मोन्स को पहुँचना है, वो ब्लड के थ्रू ही वहाँ जाएंगे। ऐसे नहीं चले जाएंगे कि अलग से अपनी एक वेसल बना ली, जहाँ से भी वो सेक्रेट हो रहा है और जहाँ उन्हें जाना है वहाँ पहुँच गए, नहीं, वो ब्लड के थ्रू ही फ्लो करेंगे। मतलब जो ग्लैंड्स होती हैं, वो अपने हॉर्मोन्स किस में रिलीज़ कर देंगी, ब्लड वेसल्स में, ब्लड में डाल देंगी, और ब्लड से ही पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ उनको रिक्वायरमेंट है उन हॉर्मोन्स की, वहाँ वो चले जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या बोल लिया, हमने सबसे पहले फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट किया था कि ये बॉडी में कंटिन्यूटी मेंटेन करता है, एक टाइप होता है कनेक्टिव टिश्यू का, और इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे थे ब्लड। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इसके सेल्स को हम क्या कहेंगे, ब्लड कॉर्पसल्स कहेंगे या ब्लड सेल्स कहते हैं। ये सेल्स भी एक मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, मैट्रिक्स कैसा होगा, लिक्विड होगा, और इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे ब्लड प्लाज्मा। अब ब्लड सेल्स भी तीन टाइप के होते हैं, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। RBCs जो होते हैं वो क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन इनके पास होता है, और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेंगे लंग्स से डिफरेंट जो सेल्स होते हैं बॉडी में वहाँ तक। फिर इसके बाद में WBCs एंड RBCs, जब भी किसी बॉडी में इन्फेक्शन होता है, इन्वेजन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो उससे क्या करेंगे, बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। सोल्जर्स होते हैं ये हमारी बॉडी के, फाइट करेंगे, डिफेंस मैकेनिज्म बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं। देखो, जो RBCs होती हैं ना, जब ये मैच्योर हो जाती हैं, थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, इनके पास न्यूक्लियस चला जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको, देखो सभी सेल के पास जो है न्यूक्लियस तो होता ही है, लेकिन RBCs ऐसी होती हैं कि जैसे वो मैच्योर हो जाती हैं, उनका जो न्यूक्लियस होता है वो गायब हो जाता है। रीज़न क्या है, RBCs को हीमोग्लोबिन के थ्रू सभी बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन को पहुँचाना है, डिलीवरी करवानी है, तो उनका वो क्या करना चाहती हैं कि जितना हो सके उतना ऑक्सीजन ये अपने अंदर भरना चाहती हैं, और इस चक्कर में वो अपना न्यूक्लियस भी हटा देती है कि सुनो तुम निकल जाओ बाहर, हमें तो ऑक्सीजन चाहिए है, और हीमोग्लोबिन के थ्रू जो है पूरे बॉडी सेल्स में पहुंचाना है। तो मैच्योर RBCs में न्यूक्लियस हो जाता है गायब, ये है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैच्योर RBCs के पास न्यूक्लियस नहीं होगा। फिर इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था कि जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो किसका बना होता है, प्रोटीन्स का, सॉल्ट्स का, और हॉर्मोन्स का, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्लड का फंक्शन क्या होता है। तो देखो, ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट्स गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है। गैसेस का, जैसे मैंने आपको बताया, RBCs जो हैं सभी सेल्स तक लेके जाती हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को। इसके बाद में डाइजेस्टेड फूड भी ब्लड के थ्रू ही, देखो खाना आपने खाया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के लेवल पे जाते जाते जो भी खाने में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपने खाए हैं वो सब अब्सॉर्ब हो जाते हैं, और अब्सॉर्ब होने के बाद वो कहाँ जाएंगे, ब्लड में ही जाएंगे। फिर ब्लड से जहाँ जहाँ उन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिन भी सेल्स में रिक्वायरमेंट होगी, उन्हीं सेल्स के पास ब्लड के थ्रू वो चले जाते हैं। क्या बताया मैंने आपको, जो हमने खाना खाया उसका डाइजेशन हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के लेवल तक जो भी उस खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब अब्सॉर्ब हो जाएंगे सेल के अंदर, और कहाँ चले जाएंगे, ब्लड में चले जाएंगे, और ब्लड से बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं उन सब में वो न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे, राइट। तो उसने क्या क्या कर लिया, ब्लड ने गैसेस का ट्रांसपोर्ट कर लिया, डाइजेस्टेड फूड का भी कर लिया, हॉर्मोन्स का भी हम देख चुके हैं, और वेस्ट मटेरियल, भाई सेल्स जो होते हैं वो मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म करते रहते हैं, तो वेस्ट भी प्रोड्यूस होगा, और इन वेस्ट को बॉडी से बाहर कैसे निकाला जाएगा,
ब्लड से ही निकाला जाएगा, ठीक है। ब्लड ही क्या करेगा, सभी सेल से वेस्ट मटेरियल लेगा, और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है बॉडी का, एक ऐसा सिस्टम जो कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है, उसको जा करके दे देगा कि सुनो मेरा काम था सेल से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करना, मैंने कर लिया, अब तुम जो है ना इसको बॉडी से बाहर निकाल दो। तो ब्लड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, गैशियस ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है, हॉर्मोन्स को भी लेके जा रहा है, डाइजेस्टेड फूड का भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और वेस्ट मटेरियल का भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ये एक डायग्राम है, ठीक है। ये है हमारी एक ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल के अंदर आप देखो आरबीसीज जो हैं वो मूव कर रही हैं, ठीक है, बह रही हैं। तो क्यों हो पा रहा है, क्योंकि ब्लड का मैट्रिक्स कैसा है, लिक्विड है। ब्लड को पूरी बॉडी में फ्लो करना है, जिसकी वजह से उसका मैट्रिक्स लिक्विड हो जाता है। फिर इसके बाद में दूसरा टाइप क्या है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का, लिम्फ है। लिम्फ आप अभी इस स्टेज पे बस इतना ही पढ़िए कि ये होता है एक कलरलेस फ्लूइड, ठीक है, और इसमें आरबीसीज भी नहीं होती और ब्लड प्रोटीन्स भी एब्सेंट होते हैं। लिम्फ क्या है, लिम्फ है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट, जिसमें कि ये एक फ्लूइड है, कनेक्टिव टिश्यू है, और इसमें कलर नहीं होता है, पेल येलो कलर का दिखता है लिम्फ, और इसमें आरबीसीज भी एब्सेंट होती हैं और ब्लड प्रोटीन्स भी एब्सेंट होती हैं। इतना आपके लेवल पे काफ़ी है लिम्फ को समझने के लिए, ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो में क्या देखा, हमने पढ़ा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जो कि पूरी बॉडी में कंटिन्यूटी मेंटेन करता है। कनेक्टिव टिश्यू का टाइप होता है, डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। दो टाइप होते हैं इनके, एक है ब्लड, दूसरा है लिम्फ। ब्लड ने क्या किया, ब्लड होता है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, पूरी बॉडी में से बहना है, इसलिए इसका मैट्रिक्स लिक्विड होता है। मैट्रिक्स किसका बनेगा, प्रोटीन सॉल्ट्स और हॉर्मोन्स का उसमें रहता है, और इसके बाद में ये जो मैट्रिक्स है इसको हम कहते हैं ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में होती हैं तीन टाइप की ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसेल्स, जिसे हम कहते हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। अलग अलग ब्लड कॉर्पसेल का अलग अलग फंक्शन होता है। फिर इसके बाद में ब्लड का क्या काम होगा, ये ट्रांसपोर्ट करेगा गैसेस को, डाइजेस्टेड फूड को, हॉर्मोन्स को और वेस्ट मटेरियल्स को। लिम्फ क्या होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है, और इसमें आरबीसीज और ब्लड प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा कनेक्टिव टिश्यू भी कंप्लीट होता है। अब बचा है एक लास्ट एनिमल टिश्यू, जो कि है नर्वस टिश्यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नर्वस टिश्यू ही कवर करेंगे, ओके। सो कंप्लीट कोर्स के लिए मैग्नेट ब्रेन्स प्लस में ज़रूर अपग्रेड करें, और इस टॉपिक के नोट्स आपको अवेलेबल है हमारी ऑनलाइन वेबसाइट पे, जो कि है magnetbrains.com पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।